इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट फैक्टर। फैक्टर के हमने काफी टाइप्स किए थे, जैसे कि सम ऑफ फैक्टर हो गया, आपका प्राइम फैक्टर हो गया, इवन ओड फैक्टर, समथिंग हम सब कुछ कर चुके हैं अपना। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहा होगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एसे और एलसीएम से रिगार्डिंग रहेगा, जो टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ कोई भी एग्जाम हो उसके रिगार्डिंग। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देते ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके जितने मैथ्स से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है, एचसीएम एंड द एलसीएम। अब देखो ऐसे फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप देख सोच भी रहे होंगे कि आज ये टॉपिक कैसे इजी है। अरे ठीक है भाई, हम मानते हैं कि एचसीएम और एलसीएम आपका इजी है, इजी, लेकिन एग्जाम में क्या हम फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड का रूल लगा के चलेंगे तो उसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मैं इसमें कुछ आपको क्विक ट्रिक बताऊंगी ताकि जिसमें आप सेकंडों में अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि अगर हम सीटेट की भी बात करते हैं एग्जाम की, तो उसमें भी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं एचसीएम से रिगार्डिंग या एलसीएम के, वो चाहे आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो या आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हो, लेकिन आपके आते जरूर है एग्जाम में। तो हमने टॉपिक स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो एचसीएफ को अगर हम हिंदी में बात करें पहले तो इसके उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य, और ऐसे में क्या बोलेंगे हम, लघु समापवर्त्य, ये चीज बोलेंगे हम, क्लियर है तक भाई, हिंदी हम ये बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो एचसीएफ का जो हमारा फुल फॉर्म रहेगी वो हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो वाला फैक्टर नहीं जो आपने कल सोल्व किया था, वो वाला फैक्टर नहीं जो हमने प्रीवियस क्लास में करके चले थे, इसका भी रीजन बताऊंगी आपको। ये हो गया एलसीएम, एलसीएम मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब फैक्टर भी आपके एक तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपना फैक्टर, और ये हो गया हमारा क्या, कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर में क्या क्या था हमने कि हमारे पास कोई एक वैल्यू थी, जैसे 24 हो गया। अब 24 के हम क्या देखते थे, फैक्टर कर रहे थे, जैसे 24 किस किस की उसमें आता है, 1 में 2, 3, 4, 6 एंड समथिंग एल्स, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर किसके नंबर के बीच में निकलेगा, दो नंबर के बीच में निकलेगा, कितने नंबर के बीच में निकलेगा, दो नंबर के बीच में निकलेगा ये कॉमन फैक्टर। और जो ये फैक्टर था ये हम सिंगल फैक्टर सिंगल नंबर से निकाल रहे थे हम इसका फैक्टर। आई बस समझ रहे दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये फैक्टर जो था वो तो था हमारा क्या, गुणनखंड, क्या था हमारा, गुणनखंड था। और जो ये वाला जो फैक्टर कॉमन फैक्टर ये हमारा क्या है, समापवर्त, क्या ये हमारा समापवर्त जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्लियर है तक, आए थे समझ में भाई। इसमें तो हमने गुणनखंड करके चले थे कि प्राइम में क्या क्या चीजें आप 24 है, जैसे वो किस किस के टेबल में आता है वो सारे हम लिख रहे थे। इसमें क्या करेंगे, दो नंबर के बीच में आपने कॉमन फैक्टर निकाला, मतलब जैसे कि दो नंबर मैंने ले लिया 2 और 8 ले लिया हमने, अब इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालो, जैसे 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इजिली। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 बिकॉज 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब देखो इनमें कॉमन हमारे ये 2 आ रहा है तो दैट इज ए कॉमन फैक्टर, क्या है ये हमारा, दैट इज अ कॉमन फैक्टर कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा 2। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या रहेगा, अगर पावर आपके पास गिवन तो पावर में जो सबसे कम पावर वाला रहेगी ना वो क्या रहेगा, आपके एचसीएफ रहेगा, जो सबसे कम दिखाएगा आपको। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं हम लोवेस्ट की, कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल मतलब क्या था हमारे पास कि जैसे कि 2 और 8 हो गया। अब अगर इसमें देखें तो एक तो 2 कॉमन आ रहा हमारे पास, ठीक है भाई, और साथ साथ क्या रहा हमारे, ये भी मल्टीपल मतलब कि इससे गुणज क्या क्या है, तो 2 हो गया हमारे पास, 1, 2 ये गुणज भी हो गए, 1, 2 ये गुणज हो गए, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। इज दैट क्लियर,
ये इसे हम क्या बोलेंगे, लघु समापवर्तक, दैट इज ए महत्तम समापवर्तक। आई जी समझ में। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, जो कॉमन रहेगा ना आपका ओनली वो दैट इज एचसीएफ, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एचसीएफ में क्या रहेगा, कॉमन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसके क्या आएंगे गुणज भी आएंगे जो उसके साथ मल्टीपल है वो भी आएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ और एलसीएम की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताई है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जितने भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 72 और 18 के बीच में हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। सेकंड क्वेश्चन के 6 8 10 12 है, इनमें भी एचसीएफ निकालना हमने, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन में भी 20 24 48 में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ओके। एंड 91 112 is 149, that is find क्या करना हमें, एचसीएफ। अब कैसे सोल्व करोगे, एक तो ट्रिक क्या होगी जो छोटे बच्चों वाली ट्रिक है, जैसे कि आपने अलग अलग का निकाल लिया, 72 का निकाल लिया, यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, 18 का निकाल लिया, ये हो गया एक तो ट्रिक आपके पास। सेकंड ट्रिक क्या होगी आपके पास कि भाई ये देखेंगे 72 हमारे किस किस का मल्टीपल में आता है, जैसे कि 72 अगर मैंने लिखा तो 2 1 2 2 2 4 2 2 4 4 2 8, अब 8 के टेबल 72 कितने पता है 9 पे आता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यस भाई, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72, इज दैट क्लियर। 18 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 3 6 6 3 12 2 4 2 2 4 लिखते हैं यहाँ पे तो आगे क्या लिख के चलते फिर, क्योंकि 4 के टेबल 18 तो आते नहीं है, 2 3 6 6 3 18। अब मैंने बोला था इनमें कॉमन देखो, कॉमन एक तो हमारे इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कॉमन, और एक क्या आ रहा है हमारा ये वाला 3 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है, तो हमारा कॉमन क्या क्या आया, 2 3 एंड 3, मल्टीपल करो क्या आएगा, 3 3 9 9 2 18। आगे चीज समझ, ये तो क्या आ गया आंसर। अब देखो मैंने कितने मेथड बताए, इसी में तीन मेथड बता दे, एक तो आप ऐसे कर सकते हो इसको प्राइम फैक्टर निकाल के, एक ऐसे कर सकते हो आप, एक और मेथड बताते हो आपको, तीन मेथड हो जाएंगे, जो सा आपको इजी लगे आप वो रूल अप्लाई कर लेना अपना। थर्ड मेथड क्या है, जैसे कि 18 और 72 है हमारा, है या नहीं है, इज दैट क्लियर। पहले 2 से करेंगे, 2 9 से 18, 2 3 से 6, 2 6 से 12, अब ये 9 के से टेबल जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखो 3 के टेबल जाएगा, 3 3 से 9, 3 1 से 2, 3 1 से 3, 3 4 से 12। अब यहां पे ना 1 मत करो आप, ये अनकॉमन मतलब कि 1 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, नहीं है। देखो इसमें कॉमन आ रहा है हमारी, ये तो इस साइड जो मल्टीपल करोगे जब ये साइड आएगी वो क्या रहेगी आपकी एचसीएफ रहेगी, ध्यान रखना एचसीएफ क्या रहेगी, जो इस साइड के आपके जितने कॉमन से हमने डिवाइड किया प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाला वो क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। अगर इसको भी इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, फिर आपकी एचसीएफ हो जाएगी, ध्यान रखना। ये जो आ रही है ये क्या है हमारी, जो कॉमन नहीं है वो है आपकी, और इस साइड के सारे हमारे कॉमन चीज आ, तो इस साइड के जो भी आएगी आपकी वो सारी क्या रहेगी आपकी एचसीएफ रहेगी। तो ये क्या होगा आंसर, 2 3 6 6 3 18। आई बात समझ में, कैसे बताया मैंने कि आपने इन दोनों के बीच में निकाला पहले। अब देखो अब आपके दिमाग में आ गया भाई 36 को हमने इसमें 2 से डिवाइड हो सकता, लेकिन आप 2 से नहीं कर सकते, वो डिजिट लेनी है जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या था हमारा 3 था, जैसे यहाँ पे 4 है, अब 1 और 4 भाई 4 2 के टेबल से जाएगा, 1 तो आता नहीं उसके में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना 2 लिया ना 4 लिया, क्या लेना आपने इस साइड वही डिजिट लेके चलने, वही नंबर लेके चलने जो इन सब में कॉमन हो, ओके, और जो कंप्लीटली डिवाइड हो दैट इज ए एचसीएफ। आज ये समझ में, जैसे कि मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगी अब इसी मेथड से जो मैंने अभी बताया आपको, आपको जोन सा इजी लगे आप वो अप्लाई करना, 6 8 10 12, ये हो गया। अब देखो इन चारों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 के टेबल में चारों आते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। अब देखो 3 4 5 6 में कुछ कॉमन आ रहा है, चारों में कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि आप 3 और 6 को देखोगे,
या 4 और 6 को देखोगे, ऐसा नहीं करना है। इन चार रो में कॉमन आना चाहिए, चारों किसी ना किसी टेबल में, किसी टेबल में नहीं है, मतलब कि हमारा जो एस सेट वो क्या आ गया, हमारा 2 आ गया, क्या आ गया हमारा 2। ध्यान रखना इस चीज का, आएगा समझ में कि कैसे करोगे। इन चारों में जो कॉमन हो उसी से ही डिवाइड करोगे, वो ही क्या रहेगा आपका एस सी एफ रहेगा। अब इन चारों की बात करते, 3, 4, 5, 6 भाई, इनमें कॉमन कुछ आ रहा हमारा नहीं आ रहा ना, तो हम इसको किसी से भी नहीं करेंगे, ओनली क्या आ जाएगा एस सी एफ, क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अगर किसी में बात करूं मैं एस सी एम की, अगर बात करूं आपसे, तो एस सी एम में भाई हम 2 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ओनली एस सी एफ का स्टेप था, अब मैं बता रही हूँ एल सी एम का। ओके, 2, 2 जो 4, 5, 2, 3 जो 6, 3 से चला जाएगा इसलिए चला जाएगा जी बिल्कुल, 2, 5 और ये क्या हो गया 1। नीचे क्या आ गया हमारे पास, फिर 2 आ गया, या आप यहाँ पर 2 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, आंसर सेम ही आएगा। अब ये एलसीएम क्या है, इन सबको मल्टीपल कर दो, ये क्या हो गया आपका एलसीएम भाई, 2, 2 जो 4, 4, 3 जो 12, 12, 2 जो 24, 24, 5 जो 120, तो वो क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एलसीएम के बीच में कैसे डिफरेंस बताया मैंने, क्लियर यहाँ तक। तो इसका जो एचसीएफ है आंसर वो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, क्लियर यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीपल से करके देख लेते हैं और फैक्टर से, मतलब किससे, फैक्टर के बेस से होने का देख लेते हैं एक बार। फैक्टर से अगर निकाल के देखो तो फैक्टर से कैसे निकाल, जैसे 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 और 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, 8 ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 को लिख सकते हैं इसी तरह हम 2 मल्टीप्लाई 5, ओके, 12 ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो चार रो में कॉमन क्या आ रहा हमारा, 2 आ रहा है, तो एच सी एफ क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, और कुछ कॉमन है नहीं, और इसी में हमारा आंसर क्या था, 2 आ था। तो देखो आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, ये वाला या ये वाला, टाइम सेविंग कौन सा आपका, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मैथ के पेपर में, तो आप ट्रिक ऐसी अप्लाई करो जो आपके लिए शॉर्ट भी हो और टाइम भी बचाए, ताकि आप और क्वेश्चन में ध्यान दे सको जहां पे भी ट्रिक लगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20, 24 और 48, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको निकाल लेते हैं, अपने इसी मेथड से निकाल लेंगे, कोई डाउट, 20, 24 और 48, 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन निकाल ले हमने, ओके 24 आ गया, अगेन 2 कॉमन निकल सकते हैं तीनों में से, यस 2 से 12 और 1 2। अब देखो, अब इन तीनों में कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा एलसीएम क्या है, 2 2 4 लिख सकते हैं हम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 6 और 12 है, 6 और 12 तो 6 भी कॉमन आ रहा हमारा, तो एलसीएम इस हिसाब से हमारा कितना हो जाए, 6 2 जो 12 12 2 जो 24 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बट मैंने क्या बोला था कि तीनों में कॉमन हो वो चीजें, अब तीनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है आपकी, ओनली इसमें ही आ रही है आपकी, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका, 4 आ गया, 2 2 जा 4। मल्टीपल से करके देख लो, फैक्टर से करके देख लो, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आप कह कर रहे होगे कि मैं बेवकूफ बना रही, तो लो भी हम इससे मेथड से कर लेंगे सॉल्व। मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सेक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नब्रे शासक करते रहना सब्सक्राइब भी। 24 करके देखो, देखो 2 2 जो 4 4 6 क्या होता है, 24 होता है, 2 2 जो 4 4 6 24। अब 6 कैसे बनता हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 से बन गया हमारा, क्लियर। 48 को देखो, 2 2 जो 4 4 के टेबल 48 कितने पे आता, 12 पे आता, 12 कैसे बनेगा हमारा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, देखो मल्टीपल कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, कॉमन देखो इसमें 2 आ गया, दैट इज 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ गया, 4। तो देखो मेरी ट्रिक काफी काम कर रही है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैम ऐसे बेवकूफ बना रही है हमें, ये ट्रिक आपकी एब्सोल्युटली काम कर रही है आपके, जो आपकी बिल्कुल राइट है, क्लियर यहां तक। तो आप अब इसमें टाइम वेस्ट ना करने के बजाय डायरेक्ट इसमें निकालो फटाफट, देखो तीनों में कुछ कॉमन है तो आगे होगा, अदरवाइज यहां तक स्किप कर दे, ये आ गया आंसर इस साइड का, क्लियर यहां तक। ये रूल ओनली एसएफ पे है, एलसीएम पे नहीं, कभी एलसीएम में क्वेश्चन निकाल दो ऐसे फिर एग्जाम में गलत हो जाए, फिर कहो मैम ने तो ऐसे ही कराया था, तो ये ओनली मेथड किसका था, एसएफ निकालने का। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखो 91, 112 और 49। तो सबसे पहले ये देख लो कि 49 आप किसकी टेबल में आता है, और किसी टेबल में आता है 49,
डायरेक्ट हमें पता है कि 70 में आएगा, तो 70 देखो तीनों कॉमन आ रहे हैं, निकाल देंगे। 7 7 7 7 3 21 7 7 7 7 6 42 7 7 49। अब देखो इन तीनों कुछ कॉमन है भाई, नहीं है कॉमन, ओनली ये चीज है, तो ऐसे अब क्या आ गया हमारा 7 आ गया आंसर। आया समझ में नहीं आया? तो देखो कितना वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका, ओनली एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। बस आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई, अगर कैलकुलेशन जिस स्टूडेंट की बेस्ट रही तो वो अच्छे से कवर कर लेगा जल्दी से, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा इनको सोल्व करने में, उसको पता रहेगा कि जो 49 है वो ओनली भाई 7 के टेबल में आएगी और 7 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए बाद की जो चीजें आ रही है आपके नंबर आ रहे वो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर जो आ गया वो एचसीएफ आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब कर लेते कुछ और क्वेश्चन फ्रैक्शन में कर लेते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो ये तो हो गए कॉमन कैसे नंबर्स में हो गए हमारे, नेक्स्ट जो करेंगे वो फ्रैक्शन में करेंगे, जो आपकी जबरदस्त ट्रिक रहने वाली है आपकी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका फ्रैक्शन में है, 36/51 3 9/17 आपको ये है निकालना है, क्या आपने सेम एज क्या निकालना, आपने एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम सारे एचसीएफ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, अब देखो 36/51 पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 36/51 एंड 13 3 51 में 9 ऐड कर दो, 60/ में क्या आ गया 17। अब ये देखो ये दोनों नंबर किसी के टेबल में आते, दोनों आने चाहिए एक दूसरे टेबल में। 3 से कट हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 7 21। अब आपके पास जो नंबर आया वो आया 12/17 एंड 60/17। अब इनके बीच में आपने एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे एचसीएफ भाई? देखो 17 और 17 है, दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास 17 आ गया। यस, 12 और 60 में देख लो इस बार आप, 12 और 60 में देखेंगे हम एचसीएफ क्या आएगा, दोनों 12 के टेबल आते हैं भाई, कॉमन क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर यहां तक? ये आ गया इसका एचसीएफ। आई थिंक समझ में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल है। पहले जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको इंप्रोपर में चेंज किया, देन ये देखेंगे कट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये देखो कि नीचे वाला कैसे निकाला, ऊपर न्यूमरेटर कैसे निकाला, वो आ गया आपका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करो जो ये फ्रैक्शन गिवन आपके पास, ये आपस में कोई कट हो रहे ऊपर नीचे भाई? 5 और 6 आपस में कट होंगे, नहीं होंगे। 6 7 होगा, नहीं होगा। 7 और 8 भी नहीं होता, नहीं 8 और 9, ना 9 और 10। अब देखो ऊपर वाले को तो क्या होता है फ्रैक्शन में ध्यान रखना, जब हम न्यूमरेटर को तो हमेशा क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकलेगा, 5 6 7 8 और किसका हो गया हमारा 9 का। और नीचे वाले क्या निकालते हैं हमेशा एलसीएम, क्या निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नीचे वाला क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया 6 7 8 9 और 10। क्लियर आता है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए इजिली। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर का तो निकालना एचसीएफ, नीचे वाला का निकालना एलसीएम। क्लियर यहाँ तक? आई चीज समझ में या नहीं आई? ऐसे देखो 5 6 7 8 9 कुछ कॉमन आ रहा है आपका भाई, 5 नंबर किसी के टेबल में आ रहे नहीं आते ना, तो 5 में जो कॉमन आ गया वो तो क्या आ गया, 1 आ गया, लिख दिया भाई। 6 7 8 9 10 का एलसीएम निकालो। अब आप 6 7 8 9 और 10 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से कर लें, 2 3 6 7 2 4 8 9 2 5 10। नेक्स्ट किससे जाएगा हमारा, 3 से जाएगा, बिल्कुल 3 1 3 7 4 3 3 9 5। यहाँ तक हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कि भाई आगे अगर 1 तक लेके जाओगे फिर भी 8 डिजिट आएगी आपके, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 6 5 30 30 और 4 3 12 तो 30 और 12 कितना हो गया हमारे पास 360। 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ओके 7 6 42 4
सात तो 21, 21 और 4 कितना होगा 25। देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आया। आई ना जिस मतलब फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर रहेगा ना उनका तो निकालेंगे एलसीएम, और जो नीचे में जो नंबर रहेगा ना डिनोमिनेटर उसका निकालेंगे एलसीएम। जैसे कि इसका निकाल लेते हम, देखो हम ऊपर वाले को तो निकालना है भाई हमें क्या एचसीएफ निकालना है, 4 और 16 का तो क्या निकालना है एचसीएफ, और नीचे वाले का निकालना भाई हमें एलसीएम 5 और 15 का। आई बस समझ में, एक बार इरेज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, इसको कर देती हूँ मैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एचसीएफ निकालना 4 और 16 का, अब 4 और 16 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ सॉरी 4 1 जो 4, 4 6 जो 16, तो आ गया ऊपर 4, एचसीएफ क्या आ गया 4, और 5 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा 15 आएगा, तो दैट इज योर आंसर। आई थी समझ में, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ओनली आपने पहले वाले नंबर न्यूमरेटर जो है उसका एचसीएफ निकाला, जो डिनोमिनेटर उसका क्या निकाला एचसीएफ, कट हो रहा तो काट देंगे, नहीं हो रहा तो वो क्या आ गया आंसर। क्लियर? अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, पावर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो पावर के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, कि पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पे, ए स्क्वेयर बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, दूसरी जो लाइन वो क्या हमारी ए बी 7 माइनस 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। देखो एस ऑप्शन क्या आपके ऑप्शन राइट डाउन ए बी, सेकंड ऑप्शन इज ए स्क्वेयर बी की पावर 3, थर्ड ऑप्शन इज ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए 3 बी स्क्वेयर। क्लियर है तक? हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ये सेकंड ये है, तो फर्स्ट में से ये देखो कुछ कॉमन निकल रहा आपका भाई, जो ए और बी की पावर जो सबसे कम है उसको हम क्या निकालेंगे कॉमन निकाल लेंगे, ए स्क्वेयर यहाँ पे भी क्या ए स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, यस यहाँ पे बी की पावर 4 है यहाँ पे बी की पावर 2 है तो सबसे कम क्या बी की पावर 2 ही ना, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया भाई ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास बी की पावर 2 बच गई। आई चीज समझ में यहाँ तक, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 ओनली, 2 बच गया हमारे पास। ओके नेक्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या है ए की पावर 7 बी की पावर 7, यहाँ पे क्या है ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर, तो हम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर कॉमन निकाला तो ए की पावर क्या बच गई हमारे पास 5, क्योंकि भाई बी सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ना, बी की पावर सेम है तो सेम एज बी की पावर क्या बच गई 5 माइनस यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 4। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, इन दोनों इक्वेशन कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा हमारा ये आ रहा आपको, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर यहाँ तक? आपको जोन सा ऑप्शन आपका ऐसे हम क्या ढूंढते हैं हम जिसकी पावर छोटी होती है हमारी उसी को हम चूज करके चलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब भाई इसमें ए की पावर 2 बी की पावर 2 इन दोनों में कॉमन आ गया हमारे ये, तो आंसर आ गया ये। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पावर से ही, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास एक्स गिवन आपका एक्स वाई और जेड, ये वैल्यू गिवन आपके पास फिर ओके 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। हम पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, ऑप्शन आपके पास गिवन है 15 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की 4, सेकेंड ऑप्शन इज 23 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, थर्ड ऑप्शन इज 30 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 30 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ये सी टेट में आया हुआ है आपका 2019 में, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे में क्या बताया था कि इन तीनों में जो कॉमन निकले वो निकालना है, अब इन तीनों में कॉमन मतलब कि ये देखना है इनकी सबसे छोटी पावर किसकी है वो एक कॉमन आ जाएगा। अब देखो इसमें अगर हम बात करें जिसमें सबसे छोटी पावर क्या नजर आ रही है मुझे 2 की पावर 2 आ रही है, तो हम देख सकते हैं 2 की पावर 2 ओके, इसमें देखो सबसे छोटी पावर मुझे ये दिखाई दे रही है मतलब 3 की पावर 2, नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है 5 की पावर 2, और लास्ट में दिखाई दे रहा है मुझे 7 की पावर 3। क्लियर है तक? अगर इस फॉर्म में होता आंसर तो हम लगा देते, बट यहाँ पे ऑप्शन हमें कुछ इस टाइप का नजर आ रहे हैं तो इसको ओपन
करना पड़ेगा। ओपन कैसे करेंगे देखो, लास्ट की डिजिट तो 7 है तो हमें पता है 7 की पावर 3, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई से एक ऑप्शन मिलेगा हमें, ठीक है। अब इनको खोले तो 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25, देखो आप 4 9 36, 36 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा 900 आएगा, और मल्टीप्लाई कैसे हम रेस्ट पावर 3, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है, तो हम ऑप्शन लगा सकते हैं 4th ऑप्शन। क्लियर है तक, आई चीज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इसकी तरह होने वाला ए बी सी एंड डी, 3 1 29, 3 1 8 80, 3 1 27, 3 1 27 मल्टीप्लाई 5 1 28 मल्टीप्लाई 7 22, 5 1 29, 5 1 28, 5 1 हाँ लगा दे मल्टीप्लाई का साइन, 5 1 28 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, ये हो गया 7 21, दैट इज 7 23, दैट इज 7 24। इसमें बोले कि एसएफ निकालो, ये भी आपका सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इनमें सबसे छोटी पावर क्या नजर आ रही है मुझे, 3 1 27 आ रही है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर निकलेगा एक लाइन का इनका। अब देखो 5 की पावर सबसे छोटी पावर क्या 128 है, ओके। 7 की पावर सबसे छोटी क्या 7 की पावर 21, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तो आई चीज समझ में, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके एचसीएफ के ट्रिक के साथ जो मैंने बताए हैं, आप इनको अप्लाई करके देखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, 4 × 27 × 3 = 125 एंड 8 × 9 × 25 × 7 एंड 16 × 81 × 5 × 11 × 49, ये है आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो देखिए इसी का टाइप का ही है आपका, 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 2 एंड 3 × 5 की पावर 2 × 7 × 11 की पावर 2, एक क्वेश्चन ये आपका, ओके। तीन क्वेश्चन सोल्व करते, पहले ये देखो इस क्वेश्चन में देखो कैसे सोल्व करोगे भाई, इसको हमारा 427 प्राइम नंबर में करना पड़ेगा पहले, ये प्राइम नंबर कैसे करेंगे, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 27 को पावर लिख लो, चलो आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई, 3 3 9 9 3 27 और 5 को लिख सकते हो 3 1 25, कितने टाइम्स लिख सकते हो आप भाई, 5 5 5 5 25 25 5 125 125 5 625 और 625 को हम जो 5 से मल्टीप्लाई करें 3 1 8 5 आएगा 3 1 2 5, कितने टाइम्स हुआ 2 3 4 5, तो 5 की पावर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गए। आगे चीज समझ में, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 25 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा 7, 16 कर सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 81 कर सकते हैं 3 की पावर 4 5 मल्टीप्लाई 11 और इस कर सकते हैं 7 की पावर 2। अब देखो इन सभी कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें देखो इनमें देखो और इनमें देखो, सबसे कम पावर क्या 2 की पावर 2 है हमारी, ओके। 3 में देखो सबसे कम पावर किस क्या है हमारे 2 की आ रही है, 5 में देखो 5 में आ रहा 5 होंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है तक, आई चीज समझ में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले तो हमने क्या किया कि प्राइम फैक्टर में हमने क्या किया इनको ब्रेक डाउन तोड़ा, हमने प्राइम फैक्टर लेके आए हैं पहले हम, फिर ये देखा है कि सबसे कम पावर किसके, जिसकी सबसे कम पावर रहेगी वो क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। अब ये समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी सिंपल है, आप लोगों ने कॉमन बताने इसमें भाई, कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है कॉमन भाई, इसमें कॉमन सबसे कम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 की स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है 7 आ रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये आ गया आंसर आपका। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जितने क्वेश्चन थे जिस टाइप के आ रहे हैं आपके एग्जाम में सीटेट रिगार्डिंग DSSB या कोई भी आपका एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ।
फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या डाउट्स हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।